बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, और इस ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सबकी नजरें दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, जो पांच मरतबा की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और एक मरतबा की चैंपियन श्रीलंका की टीमों के दरमियान खेले जाने वाले मैच पर मरकूज थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक मैच भारत से हारी थी, एक साउथ अफ्रीका से हारी थी। दबाव बहुत था ऑस्ट्रेलिया पर, और आज ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को पांच विकेटों से हराकर दो पॉइंट्स हासिल किए और इस टूर्नामेंट पे अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। श्रीलंकन टीम ने मुकाबला तो किया, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आज जो कलैप्स हुआ श्रीलंकन टीम का, कि 157 रन पर एक विकेट गिरी थी और 209 रन पर पूरी टीम आउट हो गई, तो अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान से मुकाबला कर रही थी श्रीलंका की टीम। जिस तरह पाकिस्तान की विकेटें अहमदाबाद में गिरी, इस तरह आज श्रीलंका की विकेटें लखनऊ में गिरी। आज ऑस्ट्रेलिया के, जिस तरह हम सुबह बात कर रहे थे आमिर सोहेल के, एडम जंपा रोल प्ले कर सकता है, बॉलिंग अच्छी कर रहा था लेकिन विकेटें नहीं मिल रही थी। आज एडम जंपा ने चार विकेटें हासिल की और मैन ऑफ द मैच रहे, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में कुछ फ्लॉज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हमारे पैनल में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, फॉर्मर कैप्टन आमिर सोहेल, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन टीम की तरह नहीं खेला आज, आप कैसे कहेंगे, देखेंगे? देखिए, नहीं लग रहा है ना, बिल्कुल नहीं लग रहा। उनकी बॉडी लैंग्वेज, फिर कप्तान का जो टॉस के ऊपर जो उनकी गुफ्तगू थी, उससे भी वो आपको फीलिंग नहीं मिल रही कि ये टीम जो है कोई स्पेशल कर सकती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है कि अगर उनको थोड़ी सी स्लिप आ जाए, उनको सूंघ मिल जाए किसी चीज़ की, तो उसके बाद ये जान मारना शुरू करते हैं। देखिए, आज भी डाउन एंड आउट है, और हमने सुबह यही बात की थी कि इनकी बैटिंग ना आपको वो वाला कॉन्फिडेंस नहीं देती कि ये मैच जितवाएंगे, इनकी बॉलिंग ही मैच जितवाएगी। आई थिंक एक दो मैचेस जो है, अगर इनकी बॉलिंग जितवाती है तो इनके जो बैट्समैन भी है वो भी कॉन्फिडेंस जो है वो कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं। और अभी आप जंपा की बात कर रहे थे कि सुबह हमने बात की कि वो विकेट लेंगे। देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है। हम जो कंडीशंस हैं, तजुर्बा है, कंडीशंस हैं दूसरी टीमों को सामने रख के वी मेक अ कॉल। लेकिन फील्डिंग आज बहुत जबरदस्त की ऑस्ट्रेलिया, और उसके बरक श्रीलंका की फील्डिंग बहुत ही देखिए श्रीलंका इतने जबरदस्त स्टार्ट के साथ, ये इनके साथ भी पाकिस्तान वाला ही हाल हुआ है मुझे लगता है, कि इतनी जबरदस्त पार्टनरशिप लगी, उसके बाद टोटली टीम जो है वो सबसाइड कर गई और बड़े टेमली। अब देखे, थोड़ा सा एफर्ट भी करते हैं तो अगर 250 तक जाते तो इनके लिए मुश्किल होता। सही कह रहे, सही कह रहे। वो देखे, 100-200 कुछ इन्होंने करने थे, 9 रन 209 किए इन्होंने, ठीक है, 157 पे दूसरी विकेट गिरी। आज इन्होंने आके नए बॉल के ऊपर अटैक इसलिए किया है कि कहीं के हम फंस ना जाए स्पिनर्स के आगे, इसलिए फास्ट बॉलर्स के ऊपर अटैक कर रहे थे, हमें जल्दी से रन मिले और श्रीलंकन बॉलर्स के ऊपर प्रेशर आए, और ये स्ट्रैटेजी उनकी वर्क की। आज मिजमाश ने जो है वो अटैकिंग बैटिंग करके एक अच्छा स्टार्ट देके इनको जो है वो ट्रैक के ऊपर लगाया है। समी, आप बॉलिंग के बारे में क्या कहेंगे? आज उनके मधुशंका फास्ट बॉलर लेफ्ट आर्म अच्छी बॉलिंग की, उसने 3 विकेटें ली। शुरू में उसने स्मिथ को भी आउट कर दिया, वार्नर को भी आउट कर दिया। मधुशंका की बॉलिंग के हवाले से क्या कहें? देखें, जबरदस्त बॉलिंग की उन्हें, जैसे हम बात कर रहे थे कि विकेट उसके ही चांस है जो विकेटों में बॉल करा, और उन्होंने आज विकेटों में बॉल की। फिर अगर आप लेंथ देखें तो काफ़ी बॉलर कोशिश ये कर रहे थे कि गुड लेंथ पे करें, उसके अलावा अगर आप देखें तो आज बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बॉल की। खैर, डेविड वार्नर थोड़े से मेरे ख्याल से अनलकी रहे, बॉल मेरे 9 ओवर में 38 रन और 3 विकेटें, एक फास्ट बॉलर के लिए तो बड़ी अच्छी कारकर्दगी है ना। जी हाँ, बहुत जबरदस्त कारकर्दगी, और मेरे ख्याल में अगर दूसरे बॉलर थोड़ी सी और अच्छी बॉलिंग करते हैं और 1-2 विकेट लेते तो ऑस्ट्रेलियन टीम और प्रेशर में आ जाती। लेकिन हमने बात की है, देखें अभी वो बेंच आए, बाहर से आए, रिप्लेसमेंट पे आए, लेकिन देखें जोर लगा रहे हैं विकेटों के बाहर लगा रहे हैं। हालांकि देखना चाहिए कि मधुशंकर ने जिस तरह बॉलिंग की, स्टम्प को अटैक किया, इसी तरह आप देख लें ऑस्ट्रेलिया जंपा का फर्क देख लें, जैसे ही उन्होंने विकेटों में गुड लेंथ पे बॉलिंग करनी शुरू की है कि नए बॉलर के तौर पर रूप में। लेकिन आमिर, क्या हो गया इसको? ये तो मधुशंका ने जो विकेटें ली हैं, इन 3 विकेटें वो बता दिखा रहे हैं, ये डेविड वार्नर का आप क्या कहेंगे? वो बड़े सटपटाए ऐसे इनके ऊपर, और स्पेशली DRS ने जो दिखाया वो भी अनबिलीवेबल था। जिस एंगल से बॉल हुआ हुआ था, आप देखें ये बॉल या तो अंदर की तरफ आता
तो आप देखें पैड के बार वाली साइड पर लग रहा है, मिडिल स्टंप आपको तकरीबन नजर आ रहा है वो नीचे, और ये गेंद जो है वो लेग स्टंप की तरफ जा रही थी, करता ये एंगल गेंद को लेके जा रहा था और वो सही सटपटा रहे थे कि ये क्या डिसीजन किया। और देखिए उनका रिएक्शन देखिएगा जिस तरीके से वो उनको, देखिए गेंद बहुत पीछे पड़ा हुआ है, अगर तो ये गेंद जो है आगे होता और उससे ज्यादा ट्रेवल नहीं करना था तो ये विकेट को लगने के चांसेस थे। ये देखिए लेकिन इतना पीछे गिरने के बाद ये गेंद फिर विकेट को लग रहा है, ये जो फिजिक्स को डिफाई कर रहा है ये सारा कुछ। जो सईद अजमल वाली याद ताजा हो गई 2011 के वर्ल्ड कप में, जरूर 2011 के ये बात होगी। सुबह लहरू कुमारा के हमने बात की, या तो वो विकेट्स लेंगे या उनको पड़ेगी, क्योंकि वो रिलायबल बॉलर नहीं है, बहुत जोर लगाते हैं। और समी ने सही पॉइंट आउट किया कि विकेटों के बाहर जोर लगाया, उसका कोई फायदा नहीं। ये अगर मधुशंका की भी बात करें, इनका गेंद नीचे रहा है, अगर ये वाला भी देखें तो इतना पीछे गेंद पड़ के, रिएक्शन देखिए आमिर, हाँ जी, डेविड वार्नर का कि ही वाज एनॉयड। बात यह है कि ये पॉसिबल ही नहीं था जो हमने DRS के ऊपर देखा। तो इस तरह की चीजें हो सकती है, तो टेक्नोलॉजी आ गई है, अब टेक्नोलॉजी का इतना सहारा लेते हैं, नो बॉल होती है तो बीप बज जाती है और गेम जो है वो बजाय लेग स्टंप पे जाने के विकेटों में चली जाती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी, ये तो ह्यूमन ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी ना, इंसान ऑपरेट करता है, नथिंग इज परफेक्ट, ठीक है। अगर आप ये कहेंगे कि DRS जो है वो कॉन्क्रीट है, ये एक मेयर आपको ये है कि अंपायर ने अगर सही डिसीजन किया तो उसको बैक करें, अगर गलत डिसीजन किया तो उसको रेक्टिफाई करें, ये 100% करेक्ट नहीं है, वो इससे आपको पता लग गया कि इट्स नॉट। लेकिन शुरू में तो इंडिया ने बड़ा रेजिस्ट किया DRS के लिए, इंडिया वाज नॉट एग्रीड टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट दैट DRS, जो उनके होते थे वो नहीं DRS उसको अप्लाई कर रहे थे। देखिए गोरे ने बनाया हुआ, गोरे ने, अगर तो, इंडियन बनाते, नहीं नहीं नहीं, गोरे ने बनाया हुआ तो एक्सेप्ट तो हो ही गया ना, हाँ। सारे इसको यूज कर रहे हैं। बट समी आप क्या कहेंगे, जो डेविड वार्नर का तो डिसमिसल की हमने बात ही की, लेकिन इसके अलावा भी इसने जो मधुशंकर ने बॉलिंग की है उसने बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी हाँ बिल्कुल, इकबाल भी देखें, हम काफी दिनों से ये डिस्कस कर रहे हैं कि बॉलर को अगर सही जगह सही एरिया पर करे तो ही सपोर्ट मिल रही है। हालांकि आप अगर देखें इस तरह दूसरी तरफ से लहरू कुमारा बॉलिंग कर रहे थे, और अगर आप पेस का फर्क देखें तो कम से कम 8 से 10 किलोमीटर का फर्क है दोनों में, लेकिन इन्होंने जगह पे बॉल किए, थोड़ा सा बॉल स्किट होके लो आए, बैट्समैन को जरा तेज आए, सिर्फ लेंथ और लाइन की वजह से देखें, वरना जोर उन्होंने भी लगाया लेकिन वो विकेटों के बाहर लगाए। तो यही हम बात कर रहे हैं कि देखें मार्जिन बहुत कम है बॉलरों के पास, ऐसी विकेटों जब भी होती हैं तो आपको अटैक करना है स्टंप्स को, तो आपके ज्यादा चांस। आमिर विकेट कैसी लगी आपको आज? वो उसी तरह थी पिछले मैच में साउथ अफ्रीका, देखिए जो दोनों गेंद पैड्स पे लगे जो शुरू में नए गेंद के ऊपर, नया गेंद जब इतना नीचे रहना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है पिच की जो बेस है वो फर्म नहीं है, और हमने थ्रू आउट द मैच इन डिफरेंट बाउंस देखा। लेकिन अगर आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स की बात करें, दो फास्ट बॉलर्स हैं जिन्होंने अभी तक लग रहा है कि जो अंदर लेके आते हैं गेंद वो ऑफ स्टंप की लाइन से या मिडिल स्टंप की लाइन से लेके आ रहे हैं, और वो इफेक्टिव भी साबित हुए, एक मधुशंकर और दूसरे साउथ अफ्रीकन बॉलर, साउथ अफ्रीका जेंसन, उन्होंने नया बॉल जो है अच्छी लाइन से अंदर लेके आए। बाकी अगर स्टार्क की भी बात करें, ही स्ट्रगलिंग, अगर टॉपली का इस मैच में उसने स्ट्रगल किया, जो मेन है जिसका वेपन था अंदर लाके आउट करना वो करण, ही स्ट्रगलिंग, शाहीन शाह अफरीदी स्ट्रगलिंग, आई थिंक सिर्फ ये दो बॉलर हैं लेफ्ट आर्मर जिन्होंने अपना इन स्विंगर बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। समी अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया के तीनों फास्ट बॉलर्स, आज पैट कमिंस ने भी अच्छी बॉलिंग की, वरना थोड़ा सा ऑफ कलर थे इब्तदाई दो मैचेस में, आज अगर से उन्होंने दो विकेट नहीं, हेजलवुड को कोई विकेट नहीं मिली, स्टार्क को दो विकेटें मिली, तो आज ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स ने भी साथ दिया अपने स्पिनर का, जिसकी वजह से श्रीलंका का कलैप्स सामने आया। जी हाँ बिल्कुल, देखें आपने बात की पैट कमिंस की, तो मेरे ख्याल में मैच उन्होंने ही बनाया, जैसे बैट्समैन खेल लेते वहाँ ब्रेक थ्रू की जरूरत था, अगर यही बैट्समैन थोड़ा और आगे तक जाते तो मेरे ख्याल में टोटल ये डिफरेंट होता, और बड़े टोटल की तरफ जाते हो तो मुश्किल आ जाती है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो उन्होंने आते ही ब्रेक थ्रू दिया, फिर उसके बाद जब दोबारा स्पेल में आप देखें फिर कुछाल मेंडिस को भी आउट किया, दोनों सेट ओपनर को पैट कमिंस ने आउट किया। तो लेकिन आमिर ग्लेन मैक्सवेल जिनको हम समझ रहे थे, तो हर मैच में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इनका, आप देखें 9.3
थ्री ओवर 36 रन वन विकेट. हम समझ रहे थे एक ही स्पेशलिस्ट स्पिनर है एडम जंपा, लेकिन ही इज सपोर्टिंग जंपा वेरी वेल. अगर देखिए एक्चुअली तो वो सबको सपोर्ट बड़ा अच्छा कर रहे हैं. देखिए विकेटें उन्होंने नहीं ली लेकिन उन्होंने कंट्रोल दिया कप्तान को. उनसे आप जो है वो ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो आपको पांच आउट करके दे देगा इन पिचेस के ऊपर. वो कंट्रोल के लिए और वो जो उसको जॉब दिया गया वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहा है. और जो जो मैं ग्लेन मैक्सवेल को देखता हूँ बॉलिंग करते हुए तो वो बैट्समैन की तरह सोच रहे होते हैं कि इस सिचुएशन में बैट्समैन क्या करेगा. उसको टोटली ऑपोजिट बॉल करते हैं इसलिए बचत है इनकी. सही. और जंपा की बॉलिंग के बारे में आप क्या कहेंगे एज अ बॉलर? बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की आज, अटैकिंग बॉलिंग की. अगर आप देखें थोड़ा सा फ्लाइट भी की जहां और थोड़ा काफी LBW उन्होंने आउट किया है. स्टार में से तीन तो गुगलीज किए हैं उन्होंने. देखिए पिछले मैचेस में आपको गुगलीज नहीं नजर आए सभी. ये देखें जिस तरह से और क्या कमाल का कैच लिया डेविड वार्नर ने 36 बरस की उम्र में. और ये देखें LBW जिस तरीके से किया. तो आमिर अब जंपा जो है दोबारा फॉर्म में आए और बेंगलोर की पिच पर ये क्या कर सकते हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया यूजुअली तो टेल आप कहते हैं लेकिन ऑस्ट्रेलियन जो इसके लिए स्लैंग है वो डेंडर अप. अच्छा. इनका डेंडर अप होगा. अच्छा. ऑस्ट्रेलियन कैंगरूज का डेफिनेटली. और ये जो है देखिए इनको बैटिंग सॉर्ट आउट करनी है और अभी अगले दो तीन मैच इनको जो करने की जरूरत है इनके बॉलर्स को मेक श्योर करें कि ऑपोजिशन को अगर पहले बॉलिंग करते हैं और इनका चांस ही पहले बॉलिंग करने का ज्यादा क्योंकि इनके बैट्समैन जो स्ट्रगल कर रहे हैं. लेकिन हो सकता है अच्छी, नहीं इनके बैट्समैन अच्छी कोई चेस अगर छोटा टोटल होगा इसलिए मैं कह रहा हूं बड़ा टोटल था पिछला साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुश्किल होगा. अच्छी विकेट मिल गई अगर डेविड वार्नर के जिस तरह आज मिच मार्श ने बैटिंग की है अगर डेविड वार्नर की लगती है तो वो रब ऑफ होगा बाकी प्लेयर्स में. आई थिंक स्मिथ जो है वो टोटली फ्लॉप टोटली आउट है और जिस तरह वो शफल कर रहे हैं LBW दोनों मैचों में शफल कर रहे हैं और जो गलती कर रहे हैं वो मिड विकेट मार रहे हैं. यूजली जब ये फॉर्म में होते हैं इसी गेंद को ये सामने की तरफ मारते हैं क्योंकि शक फेज ऑफ द बैट आ रहा है इसलिए बार 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 लेग बिफोर हो रहे हैं. यहां पे देखें गेंद था विकेटों में और शक फेज के साथ खेल दिया जिसकी वजह से आउट हो गए. की बैटिंग लगी है अब ये इसमें LBW हुए थे. इनमें एक और प्रॉब्लम है ना किसको इनकी जगह नंबर तीन करेंगे और ये नंबर चार के ऊपर ट्रेवर हेड आ सकते हैं. ट्रेवर हेड आए तो वो इनकी बैटिंग को थोड़ी सी जान तो देंगे क्योंकि वो अटैकिंग बैट्समैन है वो. और उन्होंने मुश्किल हालात में स्कोर किया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के लिए. ही इज यूज्ड टू इट और आप उसको मैन ऑफ क्राइसिस भी कह सकते हैं. टेक्निक भी अच्छी है. स्पिन विकेटों पे वो इतना अच्छा नहीं है बाय द वे. सीमिंग विकेट्स पे सीमिंग विकेट्स और जहां पे गेंद बल्ले के ऊपर आ रहा है ही इज अ डेंजरस ओपोनेंट. लेकिन जहां पे गेंद टर्न वगैरह होता है तो ही इज एट बे. समी अब जो ऑस्ट्रेलिया ने मैं तो ये सोच रहा था कि टॉस जीत कर उन्होंने पहले खुद श्रीलंका ने बैटिंग करने का फैसला किया. क्या सोचकर फैसला किया कि वो समझते थे कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में इतनी डेप्थ नहीं है कि ये टारगेट को चेस कर सके. उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक बड़ा स्कोर जब साउथ अफ्रीका ने बना लिया तो फिर ऑस्ट्रेलिया उसको चेस करने में बिल्कुल जैसे कि क्रम्बल कर गया. तो आप देखते हैं कि यही चीज जहन में थी उनके कप्तान कुसाल मेंडिस के कि हम पहले बैटिंग करें एक अच्छा टारगेट सेट करें ताकि ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो अंडर प्रेशर है आउट ऑफ फॉर्म है उनको हम प्रेशर मिला. जी हाँ बिल्कुल. देखें मेरे ख्याल में ये भी उनके जहन में थी. फिर कप्तान ज्यादातर देखें फील वो करता है कि जो आपका स्ट्रांग पॉइंट है आप स्टार्ट वहां से करें. तो मेरे ख्याल में बॉलिंग दोनों मैचों से इनकी स्ट्रगल कर रही थी तो उनकी कोशिश यही थी कि बैटिंग हमारी चल रही है स्कोर कर रहे हैं तो हम क्यों ना बड़ा टर्टल डालें और ऑस्ट्रेलिया को हम अंडर प्रेशर करें. लेकिन देखें जिस तरह स्टार्ट किया था 150 पे कोई विकेट नहीं थी और उसके बाद पूरी टीम क्रम्बल कर गई. तो अगर ये बड़ा टोटल करते हैं तो कहीं ना कहीं जाके ऑस्ट्रेलिया फंसता. अभी भी देखें 200 पे इनके 5 विकेट गिर गए थे तो कहीं ना कहीं ये था जहन में लेकिन इस तरह पेड ऑफ नहीं किया. मिडिल ऑर्डर एकदम क्लैप्स हुआ. और फिर आप बात कर रहे थे आमिर भाई से जंपा की तो देखें जंपा और ने काम किया है.
कि यहाँ पे देखें बात लेग स्पिन इतना कारामत साबित नहीं हो रहा, जो बॉल स्पिन हो रहा है उस पर इतनी विकेटें नहीं मिल रही, तो आज दादर गुगली की है, फ्लिपर की है, तो टेक्निकल थोड़ी सी एडजस्टमेंट की है तो देखें कामयाब हुए। ये ठीक शाना को क्या हो गया? ठीक शाना मेरे ख्याल में इज नॉट फुल्ली फिट, जिस तरह से वो आया है में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है ना, वैसे गेंद ही नहीं कर पा रहा, कंट्रोल नहीं आ रहा। और देखें श्रीलंका में आप 75% जो वहां पे स्टेडियम्स हैं और उनकी पिचेस हैं वो इनकी बॉलिंग के ऊपर रिस्पॉन्ड करती हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है इनको, यहाँ पे बॉल जो है वो सीधा आ रहा है। हाँ, अगर जिस तरह की कल अफगानिस्तान को पिच मिली उस तरह की पिच इनको मिलेगी तो ये डेफिनेटली जो है वो थ्रेट होंगे। समी जिस तरह ठीक शाना और फिर हसा रंगा की भी कमी इनको बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही होगी, जो इनका टॉप का लेग स्पिनर था, अगर वो हम दोनों ये दोनों जिस तरह अगर ठीक शाना भी मुकम्मल तौर से फिट होते और हसा रंगा भी, तो डेफिनेटली फिर मुश्किल डाल सकते थे टीमों के लिए। जी हाँ बिल्कुल, हसा रंगा ना होने से इनको बड़ा इफेक्ट हुआ है, सेटबैक हुआ इनके लिए, क्योंकि सारी बॉलिंग उसके अराउंड खेल ली थी। अगर आप इनके पेसर देखें तो पहले पति राणा को उन्होंने ट्राई किया बिल्कुल अनएक्सपीरियंस थे, राहुल कुमारा ने आज 4 ओवर में 47 रन दिए, इतना एक्सपेंसिव साबित हुआ। जी हाँ बिल्कुल, देखें यही मैं कह रहा हूँ कि अब काफी टीमें वर्कआउट नहीं कर रही, कि बाज अवकात ऐसा है कि ज्यादा जोर की जरूरत नहीं है इन विकेटों पे, बजाय बनिस्बत लेंथ और लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे कुछ टीमें मिस कर रही हैं, जैसे या दोबारा आए तो इनके खिलाफ प्लान होना चाहिए था कि आपने स्टम्प में अटैक करना, और यही सबसे ज्यादा बॉलर के पास इस वक्त चांस है। हमें ये वेला लगे कि आप स्टैट्स देखें, 9.2 बॉल चला गया, पता ही नहीं चला बैटिंग बॉलिंग दोनों में। हाँ, वहाँ पे एशिया कप में ही वॉज अ डिफरेंट क्रिकेटर, यहाँ पे विकेट्स की वजह से है ये बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस लग रहा है। आई डोंट नो प्रेशर है कि क्या है कि बिल्कुल जो है वो आउट ऑफ प्लेस लग रहे हैं। हाँ। और एक और चीज जो है जो मैं बात करना चाह रहा था कि जितने भी बॉलर्स हैं जो आके गेंद को तीर की तरह सीधा कर रहे हैं उसमें स्टार्क भी है, आज लहरू कुमारा भी था और भी है, जो बॉलर इन पिचेस के ऊपर एंगल क्रिएट नहीं कर रहा उसको मार पड़ रही है और उसको ड्राइवें बड़े आराम से लग रही हैं। वेयर एज जो एंगल करता है बॉलर उसको ड्राइव मारने में गैप भी आ रहा है और उनको विकेटें भी मिल रही हैं। सो स्टॉक का भी यही प्रॉब्लम है। देखिए अगर आप कमिंस की बात करें तो वो एंगल क्रिएट करते हैं इसलिए वो बचे रहते हैं। कई दफा आपने हेजलवुड को भी देखा कि वो एंगल क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से उनकी भी बचत रहती है। स्टार्क और लहरू कुमारा एक दो और बॉलर्स हैं जो बिल्कुल तीर की तरह सीधे गेंद कर रहे हैं, बैट्समैन को जो है वो उसका जो आई लाइन के ऊपर बॉल कर रहे हैं उनको मार पड़े जा रही है। अब आप क्या समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया का 20 अक्टूबर को पाकिस्तान से मैच है फ्राइडे को, ऑस्ट्रेलिया विल गो विद द सेम कॉम्बिनेशन या पाकिस्तान के खिलाफ एक आध चेंज कर सकते हैं? वैसे दोनों टीमों का डायलेमा है, एक टीम की बैटिंग कदरे काम कर रही, ठीक है, पाकिस्तान की अगर आप बैटिंग की बात करें तो रिजवान और प्लेयर्स जो हैं उन्होंने स्कोर किया हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत स्ट्रगल कर रही है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की बात करें वो स्ट्रगल कर रही है और उनकी बॉलिंग काम कर रही है। अब मुकाबला क्या है? मुकाबला यह है पाकिस्तान के बैट्समैन बड़ा स्कोर करें और अपने बॉलर्स को कॉन्फिडेंस दें कि ऑस्ट्रेलियंस को आउट कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन के लिए क्या चैलेंज है कि पाकिस्तान को जल्दी आउट करें और अपने बैट्समैनों के लिए आसान। लेकिन जिस तरह स्पिनर्स को आज खेल रहे थे ऑस्ट्रेलियंस, पाकिस्तानी स्पिनर जब उनके सामने आएंगे क्या सूरत हाल होगी? अंडर प्रेशर है, नवाज अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, शादाब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, लग नहीं रहा कि कोई चेंज पाकिस्तान करे, अपने इन्हीं दो स्पिनर्स को खिलाएगा। चेंज तो करनी पड़ेगी, वो नागुजीर है। देखिए अब आप इतने भी स्टबन नहीं हो सकते, रेजिमेंटल और स्टबन नहीं हो सकते, जिद नहीं पकड़नी आप भाई, जो टीम के लिए बेहतर है वो करो। आप लेके गए हो, मैं फिर बार बार इसको कहूंगा कि आप लेके गए हो तो उसको खिलाओ। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो भाई आपने टीम सेलेक्ट गलत की है। आपने उसको रखा क्यों फिर घुमाने के लिए रखा है? वसीम को भी आपने गलत रखा हुआ है, इसको भी गलत रखा हुआ है। और अच्छा इस तरह के बॉलर, मैं इससे पहले ब्रेक पे जाऊं कि जो फिंगर स्पिनर थे अगर इसमें अबरार होते तो वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे जिस तरह की वो बॉलिंग करते हैं इन पिचेस पर? देखिए हमने अबरार की भी बात की थी, वो पिक हुआ T20 क्रिकेट से, उसने एंड अप किया जाके टेस्ट में, वो T20 से भी गया और वनडे से भी ओवर से भी गया, मन तक तो समझ नहीं ना आता। चले इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हमारा एक सेगमेंट होता है क्या आप जानते हैं, तो आज का सवाल देखते हैं क्या आप जानते हैं।
सवाल यह कि किस वर्ल्ड कप में पहली बार व्हाइट बॉल इस्तेमाल की गई, 1975, 1979, 1983, 1987 या 1992? इसमें तो चार ऑप्शन है, 1996, 92, 99 और 87। अब आपने सोचना है, बड़ा आसान से जवाब होगा इसका। प्रोग्राम के आखिर में हम इसका जवाब आपको बताएंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आमिर सुहेल और मोहम्मद समी से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच की, जो ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेटों से जीता। डेंजरस टीम साबित हो सकती है ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट में, क्योंकि दुनिया की वो वाहिद टीम है जिसने 5 मरतबा आलमी कप क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है और मुसलसल 3 मरतबा जीतने का भी एजाज ऑस्ट्रेलिया को हासिल है। 1999, 2003 और 2007 के वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता और फिर उसके अलावा 2015 का वर्ल्ड कप भी जीता और ऑस्ट्रेलिया 87 का वर्ल्ड कप भी जीता था, जो मिचेल मार्श के वालिद जेफ मार्श जो थे उस टीम के मेंबर थे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के हवाले से। हालांकि कल एक मैच है साउथ अफ्रीका वर्सेज नेदरलैंड, वो धर्मशाला में, लेकिन सबकी नजरें अब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच पर मरकूज हैं। आमिर, पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तानी टीम हार कर आई है इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो जाते जाते जीत कर आई है, तो फर्क थोड़ा आपको नजर आएगा ऑस्ट्रेलिया की बॉडी लैंग्वेज में एज कंपेयर टू पाकिस्तान? डेफिनेटली आएगा। देखें, आपको आज भी उनमें एग्रेशन की नजर आई, लेकिन वो आउटराइट मोबाइल एग्रेशन नहीं था ऑस्ट्रेलियंस का जो होता है, लेकिन इस मैच के बाद इनका एटीट्यूड भी चेंज होगा। थोड़ा सा इनके बॉलर्स जो हैं वो और ज्यादा कॉन्फिडेंस से आके बॉलिंग करेंगे और अटैक करेंगे, और उसमें यह है कि अगर उन्होंने ओवर अटैक किया तो पाकिस्तान के लिए एडवांटेज हो सकता है। बॉलर्स ने ओवर अटैक किया, ओवर अटैक किया तो हाँ, बैट्समैन ने ओवर अटैक किया तो पाकिस्तान का वहां पे भी एडवांटेज। लेकिन जो जॉश इंग्लिस, जो उनका विकेट कीपर है, उसको उन्होंने खिलाया आज, वो मारे जा रहा था। मैं देखे ऑस्ट्रेलियंस के साथ जो एक चीज एसोसिएट की जाती थी ना, टेक्निकली करेक्ट और उसके साथ जो है अट्रैक्टिव होना। लेकिन आप ये इनिंग्स देखें, वो एक तो स्टांस अनकैनी सा स्टांस था, अनलाइक ऑस्ट्रेलियंस। लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन वाली शॉट मारी उन्होंने बाउंस के ऊपर, ये जो 2-3 शॉटें मारी है, लेकिन वो अट्रैक्टिव बैट्समैन नहीं है। मे बी उनको इसलिए खिलाया जा रहा है कि ही इज इफेक्टिव, और आज उसने अपनी इफेक्टिवनेस शो की। हालां स्पिनर के सामने बिल्कुल पैदल नजर परेशान था थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन फाइट किया, एक टाइमली इनिंग्स खेली अपनी टीम के लिए। जहां से वो आउट हुआ है मिच मार्श, उन्होंने मोमेंटम को आगे बढ़ाते रहे। जब जब इनको मौका मिला, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट बड़े कंफर्टेबल नजर, और लबुशेन जो थे वो थोड़ा काम डाउन हो गए थे, ये अटैक कर रहे थे, थोड़ा सा टाइम गुजार रहे थे, क्योंकि टोटल इतना ज्यादा चैलेंजिंग नहीं था। और जिस तरह का स्टार्ट मिल गया था, उसके बाद कोई भी बैट्समैन आता तो वो आराम आराम से वो सिंगल दुक्के करके अपनी टीम को ओवर द लाइन लेके। लेकिन इंग्लिश के मुकाबले में अगर आमिर देखें, लबुशेन ज्यादा टेक्निकली जो है साउंड बैट्समैन है, वो टिपिकल ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है। और यू नो, जब टाइम स्पेंड कर लिया उन्होंने पिच के ऊपर, उसके बाद उन्होंने फिर वर्क करना शुरू किया, गेंद को गैप्स में बाउंड्रीज ढूंढनी शुरू की, थोड़े से रिस्क लिए, तो आहिस्ता आहिस्ता एक दो मैच मुझे लगता है लगेंगे अभी, और पाकिस्तान के पास एडवांटेज है कि वो एक दो मैच लगने से पहले पहले इनके खिलाफ मैच जीते। समी, कैसे देखते हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? आज जो हम जॉश इंग्लिस की बैटिंग की बात कर रहे थे, लबुशेन की बैटिंग की बात कर रहे थे, टॉप ऑर्डर उनका फ्लॉप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया का। अब पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान के बॉलर्स भी इतनी इफेक्टिव बॉलिंग नहीं कर रहे। आप देखें ना, श्रीलंका ने 343 रन स्कोर कर दिए आपके खिलाफ, फिर आपने उस टारगेट को चेस कर लिया। इंडिया ने भी आराम से आपका जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया। तो उस बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग के अगेंस्ट ये ऑस्ट्रेलिया का जो टॉप ऑर्डर जो इतना इफेक्टिव नहीं साबित हो रहा, समझते हैं कि बेंगलोर में दे कैन स्टेज अ कमबैक?
जी हाँ बिल्कुल, चाहते तो हैं कम बैक करने के, लेकिन एज अ बॉलर जो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा आज लेसन लेके आए, अटैक करने जा रहा है पे, तो जहाँ अटैक करने जाते हैं वहाँ आउट करने के भी चांसेस ज़्यादा हैं, तो हमें वो डिलीवरीज ढूंढनी है जिसमें विकेट ले सकें, और विकेट टेकिंग थोड़ी बॉल करनी पड़ेगी, और विकेट हम लेंगे तो ही हम अग्रेशन दिखा सकेंगे। कोई चेंज देखते हैं हमारी टीम में फास्ट बॉलिंग के शोबे में या स्पिन बॉलिंग के शोबे में? मेरे ख्याल के फास्ट बॉलिंग में चेंज होगी, अगर आप देखे जाए पिछले 6-8 तो वसीम जूनियर जो 9 फर्स्ट क्लास मैच खेला है वो क्या घूम रहा है ऐसे ही, 14 वनडे खेला है वो? जी हाँ बिल्कुल घूम रहा है, पीछे उनको चांस मिले थोड़े से, लेकिन इतना ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा। अब्दुल रजाक था ऑलराउंडर, कह रहे हैं अब्दुल रजाक इज इन द मेकिंग, आमिर क्या कहेंगे? देखिए अभी तक तो वो जाकिर खान ही लग रहा है। हाँ, मजे की बात है, इसने भी 2 टेस्ट मैच खेले और जाकिर खान ने भी 2 टेस्ट मैच खेले, लेकिन ये कि इसको अगर आप खिलाना चाहते हैं गुड ट्रैवलर, ट्रैवलर तो अच्छा है, बस वो फिर मैं आ जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि क्यों ट्रैवलर, किसकी वजह से है, बहुत सारी चीजें, लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि जी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का जो खिलाड़ियों के एजेंट है, लोग कहते हैं प्लेयर्स कहते हैं कि अगर आप उस एजेंट से कांटेक्ट करेंगे उसके साथ तो आप टीम में आ जाएंगे। एक मैं ऑलराउंडर का नाम नहीं लूंगा, उसने मुझे कहा कि नहीं जी मेरा तो एजेंट वो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो चक्कर है, आप तो सेलेक्टर थे तो आपने देखा कहीं ऐसा कुछ है? देखिए यूनिटी तो अच्छी चीज है। हाँ यूनिटी, लेकिन पाकिस्तान की कॉस्ट पे यूनिटी नहीं अच्छी ना। अब मैं यही कर रहा हूँ इंडिविजुअल, मैं तो आपको मैं तो तभी आपने देखा कुछ, देखें कहीं ना कहीं थोड़ी सी बात तो दुरुस्त होती है, क्योंकि अगर आप देखा जाए एक ही सेट ऑफ प्लेयर्स आप पिछले 1.5-2 साल से खेल रहे हैं, तो टेस्ट टीम में भी यही अप्रोच है, वनडे में भी T20 खेलने तो भी ये अप्रोच है, तो कहीं ना कहीं आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है ना, कि आपकी अप्रोच तीनों तरह की क्रिकेट में एक है, प्लेयर एक तरह से है, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा किसी को आने नहीं देते क्या? हाँ मेरे ख्याल में आने नहीं देते, अगर देखें वर्ल्ड कप की तैयारी थी तो पिछले 6 महीने पहले शुरू हो जानी थी, आपने लड़के ट्राई आउट करने थे कि देखें ये फॉर्म आने आने वाली चीज होती है, तो कहीं ना कहीं आपको लड़के ट्राई आउट करने थे, देखें थोड़े से अफगानिस्तान के ट्राई किए, शारजा जैसी विकेट थी थोड़ी मुश्किल थी, T20 था जी T20 था, लेकिन हमने लड़के से ट्राई किया, लेकिन आप अगर देखें यही सेट ऑफ प्लेयर खेल रहे हैं 1-1.5 साल से, आप नया कब इंडक्ट करेंगे? आप तक इंडक्ट ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा किसी की स्ट्रेंथ क्या है, किसी की वीकनेस क्या है, और कौन लड़का आपको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, ये भी केस है T20 से पिक हुआ, ठीक है T20 में जल्दी जल्दी 2 ओवर का स्पेल किया, ये जो वनडे फॉर्मेट है इसमें ओवर मैनेजमेंट, स्पेल मैनेजमेंट, हाउ टू सेटअप अ बैट्समैन, ये सारी चीजें ये किस तरह आएंगे, एक्सपीरियंस से आएंगे, तो फिर वो घूमता रहेगा तो उसको एक्सपीरियंस घूमने का तो हो रहा है ना, अगर उनको नहीं खिलाना तो फिर फर्स्ट क्लास खेलने देना ताकि एक्सपीरियंस आए। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। मोहम्मद समी ने तस्लीम कर लिया कि कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, और क्रिकेट के हवाले से बात के लिए हमारे साथ मौजूद है आमिर सुहेल और मोहम्मद समी। और जिस तरह से आज एक कॉन्ट्रोवर्सी आई, हमने सुबह भी डिस्कस किया कि मोहम्मद रिजवान के खिलाफ एक जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी गई। आमिर इसमें ICC को नोटिस लेना चाहिए क्योंकि इवेंट तो ICC का है। देखिए उन्होंने तो डिफ्यूज कर दिया, लेकिन हमारी तरफ से प्रोटेस्ट जाना चाहिए था, हमारे चेयरमैन तो वही है, वो हमारी तरफ से प्रोटेस्ट जाना चाहिए था, बड़ा स्ट्रांग प्रोटेस्ट जाना चाहिए था कि दिस इज नॉट ऑल। मोहम्मद सलाह फुटबॉलर है, वो भी करता है, वो तो यूरोप में जहाँ पर के मतलब मुसलमान तो बाद ममालिक में नहीं है वहां पर भी वो करते हैं। आप पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट है इस चीज की, आपका जो बिलीफ है यू कैन प्रैक्टिस योर रिलीजन, छेड़ नहीं सकते, कोई नहीं छेड़ सकता, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। देखिए वो मौके की तलाश में कि ये लड़के कुछ करें, प्रेशर डले इन पर, प्रेशर डले नाजायज, आई थिंक दिस इज अनकॉल्ड फॉर। ऐसा कभी समय किसी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ कि ड्यूरिंग द टूर्नामेंट इस तरह की कॉन्ट्रोवर्सी सामने आ जाए कि जी रिजवान के खिलाफ केस कर दिया, जैनब अब्बास के खिलाफ दरख्वास्त दे दी, इस तरह का तो बहुत कम होता है, और एक पर्टिकुलर टीम के या तो दीगर अगर किसी और खिलाड़ी को टारगेट किया हो तो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेटर्स
पाकिस्तान की प्रेजेंटर, इनको क्यों टारगेट किया जाए? जी हाँ, देखें बड़ा डिसअपॉइंटिंग है अगर आप देखें कि हर किसी को अपना रिलीजियस राइट का हक है, फ्रीडम है और बीइंग अ सेकुलर नेशन। देखें आप, ये बहुत गलत है, बहुत गलत मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड जा रहा है इस तरह की बातें करने से। तो कहीं ना कहीं देखें ICC को भी स्टेप देना चाहिए, फिर PCB को अपना प्रोटेस्ट लाजमी स्ट्रांगली दिखाना चाहिए कि देखें एक आदमी का ये रिलीजियस राइट है, इसको आप कैसे मना कर सकते हैं। लेकिन टीमें आमिर साइन करती हैं जब वर्ल्ड कप से पहले कि जनाब जो होस्ट कंट्री है इतने लोगों को वीजा देगा, हमारे इतने जर्नलिस्ट को, लेकिन यहाँ पर साइन वाइन करके भी उन्होंने कुछ हमें घास ही नहीं डाली है। मतलब अफसोस की बात है ना, नो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट नाम की तो चीज ही कोई नहीं है, उसका वो एडवांटेज ले रहे हैं। देखिए जब तक आप अपना फुट डाउन, मैं वो आपको पीछे लेके जाऊंगा जब हमारी डिस्कशन हो रही थी, जब BCCI के प्रेसिडेंट आए थे तब उनके साथ बैठ के तफसील से गुफ्तगू होनी चाहिए। घर पर आए थे वो तो ठीक है, उसके बाद मेरे अपने जाती ख्याल में फॉरेन ऑफिस का कोई बंदा बैठना चाहिए था, सारी चीजें तय होनी चाहिए थी, सिक्योरिटी, उसके बाद जी ये हमारा जो पाकिस्तानियों का कोटा है वो कितना होगा, हमारे जर्नलिस्ट जो है जिनको ऑलरेडी एक्रेडिटेड है बाय ICC, उनको वेल विद इन टाइम जो है वो वीजा मिलेगा, वो इस तरह की कोई चीज तो आप। तो हम कमजोर विकेट पे थे ना, अगर हम जरा स्ट्रांग होते तो हम उस पर बात करते कि बड़ा अच्छा मौका था हमारे पास कि स्ट्रांग विकेट पे होते। देखिए वो जब आए हैं, जब रॉजर बिनी और राजीव शुक्ला आए, जो जेश आया, जो हु इज कॉलिंग द शॉट, वो नहीं आया ठीक है, उसकी कोई वजह थी, वो आके वो आपको लॉलीपॉप निकल गए, दे डिड देयर जॉब और वो जाके अब आप जो है यू आर काइंड ऑफ स्ट्रैंडेड। अभी भी आज मेरी कई जर्नलिस्ट से बात हुई, वो जाना चाह रहे थे, कहते हमें कहा गया कि आपके पास वहां से कॉल आएगी, अभी तक PCB से वो रब्ता कर रहे हैं मीडिया डिपार्टमेंट से कि हम एक्रीडेटेड हैं ICC से, हमें आ चुका है तो हमारा वीजा क्यों नहीं आ रहा, लेकिन उनको लटकाया जा रहा है। अभी तक अगर किसी का वीजा नहीं आया दैट्स एन इंसल्ट। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा हमारे जर्नलिस्टों को भी एटीट्यूड दिखाना चाहिए कि अब जाओ यार, दैट्स इट, अगर तो शौक है इंडिया जाने का तो फिर जरूर जाए। हम एक ब्रेक ले रहे हैं जोश जगादे में, और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम के आखिरी चंक के लिए, हमारे साथ रहिएगा। जोश जगादे में ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल और टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद समी के साथ खुश आमदीद। आज तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीत गया 5 विकेटों से, कल साउथ अफ्रीका का मैच है नेदरलैंड से धर्मशाला में। आमिर, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने 2 मैचेस जीते हैं और जिस तरह उनकी टीम जेल नजर आ रही है, तो आप समझते हैं कि नेदरलैंड के लिए मुश्किल होगा कि कोई अपसेट कर सके? काफी ज्यादा मुश्किल होगा। देखें पहले मैच में धर्मशाला की पिच के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रिप मौजूद थी बॉलर्स के लिए, अगले मैच में चले जाएं जो इंग्लैंड ने खेला अगेंस्ट बांग्लादेशी, मेरा ख्याल है 300 से ज्यादा रन बना दिए उन्होंने, तो इसका मतलब है कि वो पिच जो है थोड़ी सी बेहतर हुई है। अगर उसी तरह खेलते हैं तो मेरा ख्याल है बड़ा मुश्किल दिन होगा हॉलैंड के बॉलर्स का। साउथ अफ्रीका ने 428 रन बनाए, अब नेदरलैंड की टीम उनके सामने आएगी, तो आप समझते हैं कि साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों के लिए मौका होगा, क्योंकि इन एक्सपीरियंस है नेदरलैंड की टीम और इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसने, मैचेस अपने हार चुकी है जो 2 मिले। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका फेवरेट है इस मैच के लिए और काफी चांसेस हैं कि आउटराइट गेम करे, लेकिन देखें कभी भी बड़ी टीम खेलती है छोटी टीम खराब और थोड़ा सा रिलैक्स होती है ना, तो इस तरह का टूर्नामेंट में उसकी फिर नेगेटिव चीजें सामने आने लगती हैं, फिर जो आप विनिंग ट्रैक होता है उसे थोड़ा सा हट जाते हैं अगर जहां अपना पांव पेडल से थोड़ा। आप 2007 के वर्ल्ड कप में थे? जी हाँ बिल्कुल। तो जो हम आयरलैंड से हार गए थे जिसमें इंजमाम रोते हुए गए थे, जी तो कोई तवक्को कर रहा था कि हम आयरलैंड से हार जाएंगे? नहीं, कोई नहीं कोई तवक्को नहीं कर रहा था। जी हाँ, मैं कर रहा था। आप कर रहे थे? मैंने जब वेस्ट इंडीज का किसी के साथ मैच हो रहा था और ये वाली घास वाली विकेट तैयार थी, मैं बार बार कह रहा था विकेट देख लो, तैयारी करके आना, अदरवाइज यू विल बी सरप्राइज्ड। और यही हुआ उन्होंने इतने कम स्कोर पे, मैं बार बार कमेंट्री में वो पिच दिखा के बेटर कम वेल प्रिपेयर्ड, लेकिन नहीं हम प्रिपेयर होके नहीं गए या हमें उन्होंने हिप्नोटाइज कर दिया। अब आप बाहर आ जाए समी
आप तो आप वो मैच तो नहीं खेले थे आप? नहीं, मैं मैच खेला था, मैंने दो आउट दी आयरलैंड के खिलाफ। और बिल्कुल मैं यकीन करें कि 30 में भी नहीं था रिजर्व में, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप का हिस्सा बना, दो तीन हमारे लड़के इंजर्ड हुए, चांस मिला, तो उस मैच में दो आउट किए थे मैंने, दो आउट किए थे। और वो उनकी तो टीम में कोई पार्ट टाइमर्स थे सारे, कोई पोस्ट ऑफिस में काम करता था, कोई टीचर था, कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं थे, बट इन स्पाइट ऑफ डेट उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया था। बिल्कुल बड़ा, आपको पता है, बड़ा सैड डे था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, हम वहां से हारे। तो सीखता है इंसान इसी चीजों को लेकर, सीखता है कि आपने हल्की टीमों को इजी नहीं लेना, आपने अपना पूरा प्रोसेस करना है, जहां आप थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं तो ये टीम सरप्राइज करती है। वो दौरा अमृतसर 2007 का इसलिए भी यादगार रहेगा ना, बॉब वुलमर इस दुनिया से चले गए और पाकिस्तान हार गया मैच, बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को एक सेटबैक हुआ। देखिए, एक तो वर्ल्ड कप से आप बाहर हो गए, फिर एक बंदे ने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इतना अच्छा काम किया हुआ था, एंड ही वाज अ लाइकेबल कैरेक्टर, सारे प्लेयर्स जो थे उसे पसंद करते थे, उसको फादर फिगर की तरह जो लेते थे, और बड़ा उसका कम्युनिकेशन हर किसी के साथ बहुत अच्छी थी। इट वाज वेरी सैड, वो सारा वर्ल्ड कप ही पाकिस्तान के लिए एक डिजास्टर था। अब चलते हैं उस सवाल की जानिब, क्या आप जानते हैं, और इसका जवाब हम आपको बताते हैं जी। क्या आप जानते हैं, मैं हमने सवाल किया था कि किस वर्ल्ड कप में पहली बार व्हाइट बॉल सफेद गेंद इस्तेमाल की गई? 75 में नहीं हुई रेड बॉल से, 79 में नहीं हुई रेड बॉल से, 83 में नहीं हुई रेड बॉल से हुआ, 87 में भी रेड बॉल से हुआ, लेकिन 92 के वर्ल्ड कप से जो है वो व्हाइट बॉल इस्तेमाल हुई, और इसका सही जवाब 1992 है। इसके साथ ही जोश जगा दे कि ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची, इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो कल दोपहर 12:30 बजे दोबारा आपकी खिदमत में आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।